हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रताप सवानी फ्रॉम पृथ्वी एस्टेट। दोस्तों 2021 खत्म होने को है, 2022 शुरू हो रहा है और ट्रेंडिंग में है अभी रियल एस्टेट। तो दोस्तों अभी तक का जो समय था वो था पेंडेमिक समय था हमारा कोरोना की वजह से, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है या तो जो ट्रेंडिंग में आने वाली चीज़ है वो है रियल एस्टेट। जो कि रियल एस्टेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि रियल में रियल प्रॉपर्टी के साथ में अब काम कर रहे हैं, इसलिए रियल एस्टेट है। तो इसमें अभी 2022 कैसा रहेगा, तो दोस्तों अभी जो माहौल चल रहा है वो हिसाब से देखें तो अभी तक समझ सकते हैं कि भाई पैंडेमिक था, समय पैंडेमिक था, लेकिन अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो रियल एस्टेट चल रहा है और ख़ासकर सूरत में एक अच्छा मूवमेंट आ रहा है। और अभी जो मूवमेंट हो रहा है दीपावली से पहले और ये दीपावली ख़त्म होने के बाद भी, अभी ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, तो 2022 हमारे लिए बहुत अच्छा समय है और उसमें ट्रेंडिंग में जा रहा है रियल एस्टेट। सूरत में बहुत सी जगह पर नया प्रोजेक्ट आ रहा है और बहुत से पूरे इंडिया से लोग सूरत में रियल एस्टेट में आ रहे हैं और वजह यही है कि ग्रोथ सूरत का जो है वो इंडिया की कोई भी सिटी का नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये ट्रेंडिंग क्या है 2022 का। तो दोस्तों अभी जो महंगाई बढ़ रही है, और वो महंगाई सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल में जीने की ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही नहीं है, रियल एस्टेट को भी इफ़ेक्ट करती है। तो दोस्तों जो पेट्रोल डीजल के दाम से लेके हर एक चीज़ में महंगाई बढ़ रही है, आज स्टील कहाँ जाके बैठा है, सीमेंट रेती जो रॉ मटेरियल जो चाहिए वो सब इतना महंगा हो गया है, तो वो महंगाई में भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि भाई अभी हम रुक जाते हैं, कुछ और ये होगा वो और कुछ कम होगा, तो नहीं हो सकता है दोस्तों। वजह ये, और डेवलपर्स भी यही चाहते हैं कि आपको सबसे सस्ता मिले, सबसे अच्छा मिले, लेकिन डेवलपर्स अपनी जेब से तो दे नहीं सकता, क्योंकि उसको भी जो मटेरियल आता है उसकी क्वांटिटी इतनी आती है कि वो आपको सस्ता चाहे तभी नहीं दे सकते। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके पास अगर कोई समझ लीजिए आप देख रहे हैं और फिर आप रीज़न बता रहे हो कि भाई यहाँ तो हमारे बच्चे के रिलेटिव्स या तो हमारे रिलेटिव्स नहीं रहते, बच्चे के फ्रेंड नहीं रहते, वो जो बहानेबाजी है वो आप मत कीजिए। उससे अच्छा है कि आप जहाँ भी है और आपका जो बजट है वो हिसाब से, लेकिन थोड़ा बहुत आप सेक्रीफाइस कीजिए। और नया एरिया, नया डेवलपमेंट तो नए इलाके में ही मिलेगा। जो आप बोलेंगे कि भाई हमको तो सेंट्रल में चाहिए, बीच बाज़ार चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा हिस्ट्री बता रहा है कि जो आज से 10 साल पहले था आज का सिनेरियो कुछ और है। तो दोस्तों बहानेबाजी मत बताइए, या तो आप उसमें घाटे में रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द कुछ डिसाइड कीजिए और फाइनल कीजिए, क्योंकि ट्रेंडिंग है 2022 जो रियल एस्टेट में हाई रहने वाले हैं। थैंक यू, नमस्कार।